गाड़ी से प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं कैसा लगता है, चलते हैं अंदर। चलिए अंदर आ गए हैं, अब देखते हैं कैसा लगता है। तो हम लोग देखते हैं, ट्राई मारते हैं कैसा लगता है इसमें। अब मतलब टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम आज चला रहे हैं फोर व्हीलर, तो देखते हैं कैसा मेरा टेस्ट ड्राइव चलता है और सीखने की कोशिश कर रहे हैं कैसे फोर व्हीलर चलाया जाता है। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम है फोर व्हीलर का, और पहला एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करेंगे कैसा लग रहा है। एक्चुअली अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, और देखते हैं बाकी आगे पीछे करके देखते हैं कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बैक गियर लगाते हैं, अब इसको उठा के लगाते हैं ना। ये कौन सा फोर व्हीलर है पता नहीं नाम। अच्छा बैक गियर लग गया है लगभग। अच्छा वाह, हमको तो लग रहा है कि लगभग अच्छा बैक कर ले रहे हैं। तो आप लोग भी अपना व्यू दीजिए कैसा कैसे चलाने के लिए सीख सकते हैं। अब एक गियर लगाए हैं, अब चलते हैं। हम लोग ब्रेक छोड़ दिए, क्लच धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। बंद हुई गाड़ी। ठीक है चलते हैं। थोड़ा लग रहा है फ्री हो गए हैं, अब गाड़ी तो उठ गया है। अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा सीख जाएंगे, जल्दी सीख जाएंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे। और क्या क्या अमित कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अब देखना ये है कभी बाइक सही से कर पाते कि नहीं कर पाते, क्या बाइक करने में बहुत दिक्कत आ रहा है अभी। अच्छा तो क्या लग रहा है सीख पाएंगे? कहें जरूर, प्रैक्टिस का नाम ही है। अच्छा प्रैक्टिस करने सीख जाएंगे, चलिए एक से तो सपोर्ट। ये है अमित, जैसे कि आप देख रहे हैं ये भी चलाने की कोशिश कर रहा है फोर व्हीलर, हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, तो जरूर परफेक्ट होगा एक बार। आज तो फर्स्ट टाइम ही है, देखते हैं। अपना भाई का गाड़ी है तो अच्छा से सीख ही जाएंगे बहुत जल्द ही। क्या मत क्या लग रहा है, कॉन्फिडेंस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो अच्छा नहीं, देखिए क्लच धीरे धीरे छोड़ो, है ना, क्लच धीरे धीरे छोड़ो, अचानक सडनली नहीं छोड़ो, ऐसे में गाड़ी उठ भी सकता है ज्यादा तेज भागेगा तो। हाँ तो अब कैसा लग रहा है हमें चलाने में बताओ? अब तो लग रहा है कि अब हम आराम से चला लेंगे गाड़ी को। अच्छा आराम से लग रहा है अब चला लेंगे, वैसे फिर भी उतना आराम से तो नहीं, लेकिन हाँ लगभग सीख जाएंगे। 3-4 दिन चलाएंगे तो कुछ ना कुछ हाथ में आ जाएगा अपने हाथ में। और कहते हैं ना सक्सेस का नाम ही है प्रैक्टिस, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी भी क्षेत्र में हो। तो चलाते चलाते हाथ में आ ही जाएगा ये चीज़ें। जैसा कि देख रहे हैं अमित सक्सेस हो गया है, ये चला ले रहा है गाड़ी अब। अभी तो ऐसे गियर वगैरह चेंज नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली ज़्यादा लंबा चौड़ा जगह नहीं है, इसलिए एक ही गियर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये यहाँ तक आ गए हैं। हाँ शुरू में तो मेहनत करना पड़ा, लेकिन फाइनली लग रहा है कि पोजीशन में आ रहा है गाड़ी, अपने हाथ में आ रहा है। और फर्स्ट टाइम चला रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा तो मुश्किल ही आएगी, है ना, तो मुश्किलों से घबराना नहीं है हम लोग को।
तभी सीख पाएंगे। इस तरह से गाड़ी बंद ना हो तो आई थिंक जल्द ही सीख जाएंगे, लेकिन बीच बीच में गाड़ी बंद हो जा रहा है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन बहुत धीरे भी चल रहा है तो संतोष नहीं होता है, तो गियर चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग, ये है हम लोग का फर्स्ट डे का फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट डे, और फर्स्ट दिन है हमको लग रहा है काफ़ी कुछ सीख गए हैं हमको लग रहा है, और दो तीन दिन और प्रैक्टिस करेंगे तो हाथ में आ जाना चाहिए, बाकी पता नहीं सर आई कम नहीं। और कैसे जल्दी सीख सकते हैं उसका कुछ उपाय पत्र भी आप लोग बताएं। तो अब चला जा अमित घर। हाँ चला जा। तो अब घर निकलने कोशिश करेंगे अब, क्योंकि अकेले आए बिना किसी को कुछ बताए हुए, ना किसी को ले लिए हैं, बस गाड़ी फोर व्हीलर निकाले हैं चल दिए हैं बिना किसी सिखाने वाले के, अकेले हैं। तो हम लोग को तो पता नहीं था कितना अच्छा चला लेंगे, इतना अच्छा आ जाएंगे, लेकिन आ गए हैं। तो अब निकलते हैं गाइस यहाँ से, अब जो भी फीडबैक है आप लोग थोड़ा बताइए कैसे सीख सकते हैं और कैसे अच्छा सीख सकते हैं अभी बता दीजिए। तो चलते हैं अब गाइस, धन्यवाद, वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, धन्यवाद, बाय।